हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन टॉपिक पे। पहला एएचयू क्या होता है, और दूसरा जो है अपना एएचयू कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा जो अपना मेन टॉपिक है एएचयू काम कैसे करता है। चलिए फिर हम पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं एएचयू क्या होता है। दोस्तों एएचयू एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का फैन होता है जो एक कैबिनेट के अंदर प्लेस किया हुआ रहता है, और ये रिसर्कुलेशन का काम करता है। अब बात करते हैं एएचयू के पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको इमेज में शो भी हो रहा है, एएचयू के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कूलिंग कॉइल हो गया, हीटिंग कॉइल हो गया, मोटर हो गया, ब्लोअर हो गया, फिल्टर हो गया, ये सारे मेन पार्ट्स होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम एएचयू कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों फैन का जो लोकेशन होता है उसके आधार पर जो एएचयू है वो टू टाइप के होते हैं, एक ब्लो थ्रो होता है और ड्रा थ्रो होता है। दोस्तों ब्लो थ्रो एएचयू में जो ब्लोअर होता है वो कूलिंग कॉइल से पहले होता है, देखिए ये आपको इमेज में भी दिख रहा है। ड्रा थ्रो एएचयू है उसमें जो कूलिंग कॉइल होता है वो पहले होता है, उसके बाद ब्लोअर आता है। दोनों में ये डिफरेंस है। अब कंपोनेंट प्लेसिंग के आधार पर भी एएचयू दो टाइप के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल जो एएचयू होता है वो इस टाइप का होता है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड सारे कंपोनेंट्स जो अंदर के रहते हैं, फिल्टर्स वगैरह, कूलिंग कॉइल वगैरह, सारे कुछ हॉरिजेंटली प्लेस्ड होते हैं। और जो ये वर्टिकल प्लेस्ड होते हैं जैसा कि फोटो में दिख रहा है, तो ये इस प्रकार के होते हैं, सारे जो भी कूलिंग कॉइल्स वगैरह जो अरेंजमेंट्स रहते हैं अंदर के वो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं। ये एज पर साइट लोकेशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि साइट का आपका लोकेशन कैसा है, प्लेस कैसा है, आपको कितना एरिया की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इसका रिक्वायरमेंट होता है। अब जोन वाइज भी एएचयू डिवाइड होते हैं सिंगल जोन और मल्टी जोन में। तो दोस्तों जो सिंगल जोन एएचयू होता है वो किसी एक सिंगल जोन के लिए या सिंगल एरिया के लिए होता है, ये छोटा एएचयू होता है। और जो मल्टी जोन एएचयू होता है वो किसी बड़े एरिया के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई होटल्स है या कोई हॉस्पिटल्स है, एक जगह कोई एएचयू लगा दिया और पूरा एरिया कई सारे चार पांच एरिया को कवर कर रहा है, तो मल्टी जोन में आ जाएगा। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, तो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर भी एएचयू दो टाइप के रहते हैं। पहला हो गया फैक्ट्री फैब्रिकेटेड, और दूसरा जो हो गया अपना साइट फैब्रिकेटेड बोलते हैं या फिर कस्टम बिल्ड भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री फैब्रिकेटेड जो एएचयू होता है वो छोटा एएचयू होता है, अपना एच पर ड्राइंग आपको चेक कर लेते हैं कहाँ पे ज़रूरत है, और जो छोटा एरिया होता है तो उसके लिए फैक्ट्री से फैब्रिकेट करके सारे पार्ट्स आ जाते हैं और अपना एक जगह ले आके रख देते हैं। अब जो कस्टम बिल्ड एएचयू होता है वो बड़े एरिया के लिए होता है, इसके लिए साइट फैब्रिकेशन ही होता है, फैक्ट्री फैब्रिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए साइट पे ही डायमेंशन लेके और साइट पे ही फैब्रिकेट किया जाता है, तो वो कस्टम बिल्ड या साइट फैब्रिकेटेड एएचयू बोलते हैं। अब प्लेस के हिसाब से भी एएचयू होता है, रूफटॉप या फिर इंडोर, यानी छत के ऊपर रखना है या तो फिर बिल्डिंग के अंदर लगाना है, तो इसमें भी डिवाइड होता है, दो टाइप के एएचयू होते हैं। अब रूफटॉप एएचयू होता है जो मान लीजिए किसी टॉप फ्लोर है, 19 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 19 फ्लोर के निचले फ्लोर जो है उस पर फीडिंग करना है, तो स्पेस बचाने के लिए हम टॉप फ्लोर पर एएचयू रख देते हैं और कटआउट के थ्रू फीडिंग करते हैं, तो इसके लिए रूफटॉप एएचयू यूज होता है। अब इंडोर टाइप, मान लीजिए कोई अंदर रूम है, रूम के अंदर ही एक प्लेस पे एएचयू लगा दिए, उसी से सप्लाई एयर और रिटर्न एयर ले रहे हैं, तो उसको इंडोर टाइप एएचयू बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एएचयू आखिर काम कैसे करता है, सबसे मेन टॉपिक ये है। ये देखिए एक इमेज भी शो हो रहा है, ये एएचयू का सप्लाई एयर सेक्शन का ये पार्ट है और ये रिटर्न एयर सेक्शन का पार्ट है, एक बिल्डिंग के अंदर फीडिंग कर रहे हैं। आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये एक एएचयू है अपना, ये देखिए फैन का सेक्शन अपना चालू हुआ और ये अपना हवा थ्रो करना चालू कर दिया, ये इस प्रकार का वर्किंग होता है एएचयू का। सेम है, जाइए हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, ये देखिए एक एएचयू लगा है अपना, इसमें इधर से रिटर्न ले रहा है और एक साइड से सप्लाई कर रहा है, मतलब ये रिसर्कुलेशन का प्रोसेस चल रहा है, पूरा रिसर्कुलेशन करता है बिल्डिंग के अंदर। कूलिंग रिसर्कुलेशन से ही होती है, फ्रेश एयर एक साइड से ठंडा हवा फेंकता है, दूसरी साइड से रिटर्न लेता है, ठंडा हवा फेंकता है, रूम की एयर को ही रिसर्कुलेट किया जाता है। सेम एज ये देखिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर रूफटॉप एएचयू रखा हुआ है, तो ये सेम ये प्रोसेस होता है ये पूरा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।